आईपीएल 2024 जारी है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ऑरेंज कैप कौन जीतेगा और खिलाड़ियों के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पर्पल कैप जीतने वाले सबसे बड़े दावेदार खिलाड़ियों की और कौन सा खिलाड़ी इस साल आईपीएल में ज्यादा विकेट लेगा और पर्पल कैप का हकदार होगा। 22 मार्च से शुरू हो चुकी इस लीग में बल्लेबाजों से लेकर गेंदबाजों तक अपनी अपनी टीम की जीत में अहम योगदान देना चाहेंगे। एक तरफ जहां बल्लेबाजों के बीच ऑरेंज कैप जीतने की दौड़ लगी होगी, वहीं गेंदबाज सबसे ज्यादा विकेट लेते हुए पर्पल कैप जीतना चाहेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईपीएल 2024 में पर्पल कैप कौन जीत सकता है। नंबर एक, पैट कमिंग्स। आईपीएल 2024 में विशेष रूप से पैट कमिंग्स पर सभी की निगाह टिकी होगी। वह इस साल सनराइजर हैदराबाद के कप्तान भी है, जिन्हें टीम ने 20.50 करोड़ रुपए में खरीदा है। कमिंग्स ने पिछले सीजन से अपना नाम वापस ले लिया था, लेकिन इस बार वह सीजन में वापसी कर रही है। उन्होंने अपने आईपीएल करियर में खेले गए 42 मैचों में 45 विकेट चटकाई है। उनकी चतुराई भरी गेंदबाजी अक्सर बल्लेबाजों को चकमा देती है और उनके पास टीम को मैच जिताने की काबिलियत भी है, इसलिए वो पर्पल कैप जीतने के सबसे बड़े दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं। नंबर दो, जसप्रीत बुमराह। बात अगर गेंदबाजों की हो और जसप्रीत बुमराह का नाम न आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जसप्रीत बुमराह चोट के कारण आईपीएल 2023 में नहीं खेल पाए थे, लेकिन 2024 में मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में वापसी कर रहे हैं। बुमराह ने अभी तक अपने आईपीएल करियर में खेले गए 120 मैचों में 145 विकेट लिए हैं। बुमराह इससे पहले कभी पर्पल कैप नहीं जीते, लेकिन बुमराह को मौजूदा समय में सबसे चालाक गेंदबाजों में से एक माना जा रहा है। विशेष रूप से दबाव की स्थिति में अच्छी गेंदबाजी करने की काबिलियत उन्हें पर्पल कैप जीतने की सबसे बड़ी दावेदारों में से एक बनाती है। नंबर तीन, राशिद खान या फिर यू कहे करामती खान। अफगानिस्तान के लेग स्पिन गेंदबाज राशिद खान ने दुनिया में T20 स्पेशलिस्ट के रूप में अपनी पहचान कायम की है। वो हालांकि चोट के कारण कुछ महीने पहले हुई बिग बैश लीग में नहीं खेल पाए थे, लेकिन इससे उनकी काबिलियत कमजोर नहीं पड़ जाती। उन्होंने आईपीएल में पिछले साल गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए 17 मैचों में 27 विकेट लिए थे। उनकी मैच को क्षण भर में पलटने की काबिलियत उन्हें अहम मौकों पर विकेट दिलाती रही है और वो इस बार भी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से एक बन सकते हैं और पर्पल कैप उनके सर पर सकती है। नंबर चार, मोहित शर्मा। पिछले सीजन में गुजरात टाइटंस ने मोहित शर्मा को कुछ शुरुआती मैचों में मौका नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही मोहित मैदान पर उतरते उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से लगातार विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। उनकी फिटनेस पहले से बहुत ही अच्छी हो चुकी है, इसके साथ ही उनकी लाइन और लेंथ में भी सुधार हुआ है। उन्होंने पिछले सीजन में 14 मैचों में 27 विकेट चटकाए थे। इन्हीं कारणों में से मोहित शर्मा को पर्पल कैप जीतने की रेस से बाहर नहीं किया जा सकता और मोहित शर्मा भी पर्पल कैप आईपीएल 2024 में जीत सकते हैं। नंबर पाँच, मिचेल स्टार्क। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके मिचेल स्टार्क पर आईपीएल 2024 में सभी की निगाहें होगी। वो 2015 के 8 साल के बाद आईपीएल में वापसी कर रहे हैं और इस बार केकेआर ने उन्हें 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। उन्होंने कुछ महीनों पहले हुए एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप में धारदार गेंदबाजी करते हुए 16 विकेट चटकाए थे, इसलिए उनसे आईपीएल 2024 में भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद करना गलत नहीं होगा और वह भी पर्पल कैप इस आईपीएल में जीत सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कौन से खिलाड़ी है जो इस साल आईपीएल 2024 में पर्पल कैप के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं।